चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मई का दिन छत्तीसगढ़ के लिए काफी खास है क्योंकि प्रदेश में इस बार अक्ति त्योहार 3 मई को मनाया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि महाविद्यालय रायपुर में इस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रखा गया है। कृषि विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों में इसका कार्यक्रम होगा। अनुसंधान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यक्रम का आयोजन, लगभग 60 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के प्रमुख गौठानों को आयोजन से जोड़ा जाएगा। लघु कृषि यंत्रों तथा औजारों का भी वितरण होगा। कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक संगोष्ठियों का भी आयोजन इसके तहत किया जाएगा। तो अक्ति त्योहार 3 मई को प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। काफी खास कार्यक्रम क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह इसके लिए आयोजित किया जा रहा है। और अधिक जानकारी इससे जुड़ी हम लेंगे। सहयोगी कुलेश्वर पांडे राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे क्या होता है अक्ति त्योहार और क्या कुछ होगा इस दिन? देखिए, अक्ति त्योहार को इस समय छत्तीसगढ़ सरकार जो है माटी दिवस के रूप में मनाने वाली है 3 तारीख को। अक्ति त्योहार में गुड़िया छत्तीसगढ़ में जो है पूजा किया जाता है और साथ ही शुभ मुहूर्त भी जो है इसको माना जाता है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काफ़ी महत्व रखता है और सरकार जो है लगातार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने देखा था कि हरेली त्यौहार भी जो है बड़े धूमधाम से मनाया गया था, तीजा पोला का त्यौहार भी मनाया गया। सभी जितने भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और त्यौहार है उसको लगातार सरकार जो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी दरमियान जो है अक्ति त्यौहार को भी माटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भव्य रूप से पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। जिला स्तर कार्यक्रम होंगे और राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में भी भव्य रूप से कार्यक्रम 3 तारीख को रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। किसानों का सम्मान किया जाएगा क्योंकि अक्ति का त्यौहार जो त्यौहार है काफ़ी शुभ माना जाता है। किसान जो अपना पहला बीज जो है खेतों में रखते हैं, धरती माता का पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार जो है अक्ति को भी काफ़ी धूमधाम से मनाने वाली है। चूँकि सरकार की सोच है, मुख्यमंत्री रूप की सोच है कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको हम सबके बीच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं बीते 15 साल में लुप्त होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक नया जान फूंक कर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम त्योहारों को फिर से जीवित किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जो युवा पीढ़ी है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से हट रहे थे वो फिर से जानना शुरू कर दें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी संस्कृति है। हरेली का त्यौहार यहाँ भव्य रूप से मनाया जाता है, तीजा पोला का त्यौहार भव्य रूप से मनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर अक्ति जो त्यौहार है उसको भी बड़े धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। 3 तारीख को कृषि विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अक्ति त्यौहार मनाया जाएगा 3 मई को। शुक्रिया कुलेश्वर आपका इससे पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खासतौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। काफी खास दिन 3 मई का छत्तीसगढ़ के लिए।